देखिए, ये जितनी घटनाएं हो रही हैं अक्षम्य हैं, और इनमें जो भी अपराधी हैं सबके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, किसी कीमत पे वो छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्यवाहियाँ होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो थाने का घेराव किया जनप्रतिनिधियों ने, वो बहुत शर्मनाक है। संविधान की शपथ खाई है उन्हें, और उसके विरुद्ध जाके यदि अपराधियों के संरक्षण के लिए वो थाना घेरते हैं, तो वो अपना आत्ममूल्यांकन करें और इंदौर इस बात की चिंता करे कि कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रद्रोहिता के पक्ष में खड़े। वो व्यक्ति जिनकी वोटर आईडीज झूठी हैं, जिन्होंने बिना आधार के फर्जी तरीके से बना लिए, वो भी सब दंडित होने चाहिए, और उनका समर्थन करने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने जो दुर्दशा की है आज़ादी से लेकर आज तक, ये जो घटनाएं आपको यत्र तत्र सर्वत्र दिख रही हैं ना, ये सब उन्हीं का परिणाम है, ये उन्हीं का तुष्टिकरण है कि आदमी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया और निजी स्वार्थों में इतना डूब गया कि उसको राष्ट्र दिखाई ही नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले, और राष्ट्र 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 ही इस बात के संस्कार के साथ काम करती है। हम अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में जुटे हुए हैं, पर जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो भी कठोरतम दंड पाएगा।